दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट क्लॉक ड्राइवर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक 1.5 यूएफ 400 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का कोई भी एक पिन हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 के रजिस्टर। उसके बाद इस 100 के रजिस्टर को हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे चार पीस एलईडी बल्ब। उसके बाद ये चार एलईडी बल्ब हम सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे छोटा कर देंगे। उसके बाद इस एलईडी बल्ब का नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ और इस एलईडी बल्ब का पॉजिटिव पिन हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड और एक 100 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।